ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਖਲਾ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸ਼ੋਦਾ ਬੇਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। इस देश की महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, जो अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाए, उनका नाम इतने साल उन्होंने लेने की जरूरत नहीं समझी, उनका नाम कहीं भी बताने की जरूरत नहीं समझी, उतना सम्मान वो अपनी पत्नी को ना दे पाए, तो वो इस देश की महिलाओं को किस तरह से सम्मान देंगे या किस तरह से इस देश की महिलाओं की रक्षा करेंगे, ये श्री मोदी को, देश को इसका जवाब देना चाहिए। दूसरी ओर गुजरात और उनकी सरकार की अगर हम बात करें तो इतना बड़ा जासूसी कांड आया जहां पूरे देश ने, और अब तो गुजरात सरकार ने भी एफिडेविट देके मान लिया है कि जासूसी कांड हुआ था और वो यंग आर्किटेक्ट की जासूसी हुई थी, उन्हें अपने एफिडेविट के माध्यम से माना है। तो अब मोदी बताएं कि क्यों उन्होंने इतने साल छुपाए रखा कि वो विवाहित थे और दूसरी तरफ दूसरी महिलाओं की जासूसी और पीछा कराते रहे, इसका जवाब मोदी को आज जनता को देना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने इसलिए डिस्क्लोज किया है क्योंकि चुनाव आयोग का एक कॉलम होता है, उसमें रिलेटिव्स की संपत्ति का डिस्क्लोज करना पड़ता है और हर बार होता है ये, और इस फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने पत्नी का नाम डिस्क्लोज किया क्योंकि उनको संपत्ति का ब्यौरा देना था। एक तो इसमें एक मतलब निकल सकता है कि जसूबेन जो है इतने सालों से उनकी पत्नी थी, ये बातें हो रही थी लेकिन आज मोदी जी ने अपने मुंह से वो बताया और लिखित बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम वो बिचारी जो अभागी महिला थी उसको एक न्याय मिला है, उसको एक दर्जा मिला है कि वो पत्नी है। दूसरी बात यह है कि अब तक उन्होंने इतने इलेक्शन लड़े तो उसमें एक्चुअली उनको कोई हर्ज नहीं था डिस्क्लोज करने के लिए, जब पत्नी है तो पत्नी है, तो उनको पहले के चुनाव आयोग ने उनको क्यों नहीं, ये क्या उसकी, मेरे ख्याल से मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जो पहले के चुनाव आयोग है उन्होंने उनको क्यों नहीं कंपेल किया डिस्क्लोज करने के लिए, उनके लिए एक अलग से स्टेटस देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। देखिए बड़ा सवाल है, अभी तक क्यों छुपाए रखा? आज सारा देश ये जानता है कि उनकी पत्नी है, वो इस बात को मंजूर करें या ना करें, आज देश के दबाव में उन्होंने मंजूर किया है। और एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, गलत बात कह रहे हैं, सारे देश ने उनका बयान सुना है, उन्होंने कहा है कि बदला लेना चाहिए, किससे बदला लेना चाहिए, किससे बदला लेना चाहते, जो कमी उनके बयान ने कम कर दी थी वो वसुंधरा राजे के बयान ने पूरी कर दी, वो टुकड़े टुकड़े करना चाहती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में करना क्या चाहती है, किस तरीके की राजनीति है? ये देश को जोड़ने वाली राजनीति नहीं है, देश को तोड़ने वाली राजनीति है। कानून जो भी तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अमित शाह के खिलाफ, वसुंधरा राजे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि इनकी गिरफ्तारी चुनाव के बाद होनी चाहिए ताकि चुनाव में किसी तरीके का कोई फायदा ना उठाया जा सके। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे वी ते कितों वी जुड़ो, आपां मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते, खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।